यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर के निर्माण के लिए बोला है, लेकिन तारीख अभी नहीं बताई है। उनकी ओर से कहा गया है कि राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। देखिए, दबाव प्रभाव का विषय नहीं है, जो मामला कोर्ट में है उस कोर्ट के मामले में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अयोध्या की अंदर रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जरूर बनेगा। कब बनेगा इसके बारे में ना हम तिथि बता सकते हैं, ना हमारे वो हाथ में है, वो कोर्ट के हाथ में है। लेकिन यह जरूर हम कहते हैं कि अब रामलला की जन्मभूमि पर कोई बाबर के नाम की इमारत और स्मारक नहीं बना पाएगा, और जो जनेऊधारी मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं और भगवान विष्णु जी के भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन लोगों से जरूर सवाल है कि उनके इस पर क्या विचार है। मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऐसा कोई चीज़ मेरे जानकारी में नहीं है, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यह मुद्दा राजनीतिक नहीं बने, ये कोई सब दूसरों को भाषण देने के लिए विषय नहीं है, ये राजनीतिक नहीं बनना है, इसकी जिम्मेदारी सबकी है। जहाँ तक हमारे पार्टी का प्रश्न है, हम हमेशा राम मंदिर के मुद्दे को राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय सम्मान के साथ ही जोड़कर देखा है, पर जुडिशरी को भी इस विषय पर चिंता करनी है। जो शेड्यूल अनाउंस हुआ था उस पर अगर कार्रवाई शुरू हो जाती तो आगे एंग्जाइटी नहीं होता, आगे अनेक प्रकार के अटकलें नहीं लगाए जाते। इसलिए यह मुद्दा एक राष्ट्रीय सम्मान और महत्व का मुद्दा है, इसका एक एहसास सभी इंस्टीट्यूशंस को, इंक्लूडिंग जुडिशरी, सबको होना चाहिए।